हेलो कैसे हैं आप लोग शुरू करते हैं डीपीपी नंबर थर्टी फाइव का डिस्कशन फॉर द टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है थ्रू रॉड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर वेल्डेड टुगेदर एड शोन इन द फिगर देयर थर्मल कंडक्टिविटी आर के वन एन के टू दर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोजिट रॉड विल बी तो रॉड ए की थर्मल कंडक्टिविटी है के वन रॉड बी की थर्मल कंडक्टिविटी है के टू और इन दोनों रॉड्स का जो लेंथ है वो है डी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ए और ए दोनों का सेम मान लेते हैं तो इस कंपोजिट रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी हमसे पूछी गई है इक्विवेलेंट हमसे पूछा गया है इस कंपोजिट रॉड का और रॉड के एक साइड टेम्परेचर टी वन मेंटेन है और दूसरी साइड टेम्परेचर टी टू मेंटेन है ठीक हम जानते हैं कि रॉड जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ठीक और रॉड ए का थर्मल रेजिस्टेंस अगर मैं आर वन लू रॉड ए का थर्मल रेजिस्टेंस में आर वन ले लेता हूँ रॉड टू का थर्मल रजिस्टेंस में आर टू ले लेता हूं तो मैं जानता हूं थर्मल रजिस्टेंस आर इजिकल टू होता है एल डिवाइडेड बाय के एल इज लेंथ ऑफ द रॉड के इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड एंड ए इज सेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो ठीक तो ये हमारा थर्मल रजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है तो अगर मैं आर इक्विलेंट यहाँ पर लिखना चाहूँ तो आर इक्विलेंट क्या हो जाएगा आर इक्विलेंट मीन्स इक्विलेंट रजिस्टेंस ऑफ द रॉड इक्विल रजिस्टेंस ऑफ द रॉड हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसलिए हो जाएगा आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू क्लियर तो आर वन कितना होगा आर वन फॉर द रॉड ए इज टी डिवाइडेड बाय के वन ए एंड आर टू फॉर द रॉड बी इज़ डी डिवाइडेड बाय के टू इंटू ए क्या करस्पेंडेंस वैल्यू हम वहाँ रख दें यस तो आर इक्विलेंट कितना हो जाएगा आर इक्विलेंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर इक्विलेंट इज टू आर वन की वैल्यू कितनी है डी डिवाइडेड बाय के वन ए इंटू डी डिवाइडेड बाय के टू ए डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू मीन्स टी डिवाइडेड बाय के वन ए प्लस डी डिवाइडेड बाय के टू ए क्लियर तो फर्दर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के वन के टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मैं यहाँ पर डी डिवाइडेड बाय ए कॉमन ले लेता हूँ डी डिवाइडेड बाय ए मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा के वन के टू ये हो जाएगा के वन प्लस के टू क्लियर तो आर इक्विलेंट कितना हो गया आर इक्वलेंट कम्स आउट ये हो जाएगा कितना टी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाई ए वन अपॉन के वन के टू से के वन के टू कैंसिल आउट हो जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन के वन प्लस अब क्योंकि आर इक्विलेंट इस कंपोजिट रॉड का इक्विलेंट रेजिस्टेंस था इसलिए आर इक्वलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ आर इक्विलेंट को मैं इस फॉर्मुले से लिख सकता हूँ आर इजिकल टू एल डिवाइडेड बाई के ए इसकी लेंथ कितनी है आर एक के लिए लेंथ हो जाएगी कंपोजिट रॉड की एल रॉड हो जाएगी रॉड की कंपोजिट लेंथ कितनी है एल यानी कि यहाँ पर एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डी डिवाइडेड बाय के की जगह लिख सकता हूँ के इक्वेलेंट कंपोजिट रॉड के लिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक ये यह पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इस कंपोजिट रॉड के लिए क्लियर वो कितना हो जाएगा टू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा टू ए लिख सकता हूँ डी ए डिवाइडेड बाय वन अपॉन के वन प्लस के क्लियर तो इससे के इक्विलेंट कितना आ गया के इक्विलेंट इज टू के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाय टू तो ये हमारा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आई है इस कंपोजिट रॉड के लिए कि अगर ये पूरी की पूरी रॉड एक होती दो तो अलग अलग रॉड नहीं होती तो इसका के एक कितना होता है के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाई टू जहां इसका रॉड ए का थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है के वन रॉड टू की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है के टू और इनकी डायमेंशन क्या है सेम है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया